मोरीराम बाबूजी देखा ये गाना भोजपुरी बा और एक डायलॉग तू करे विचार अरे माई जईब हम ससुरार कम बुझे रही मतारी कहने लगी समुझाए भैया देखा जिद कह के गवला जब गावे लगली तो निहूर को चौकी रहलन बिचारे कह बिचारे के बड़ा दिन से ललसा लगल ससुरारी जाए बदे ललसा लगल रहल का उत्तम भाई उसूत गल हमन कपड़ा लगल ससुरारी जाए बदे लेकिन अपने मतारी से कही नहीं पावन एक दिन कहले करे माई ससुरार जा बड़ी बचवा मतारी कहले बेटा जा लेकिन एक बात ख्याल करिया कि जहाँ रात होखा हो तू रह जाया कहे कि जमाना पर जरत हो नहीं रहू कहले कि माई जैसे तू कहती वैसे ही करब तो इनके तो मम्मा कही धुन सवार रह कि कब ससुरारी पहुंची तनी चली मौज लूटी ससुरारी में कैसे कैसे भी पहला तो केहू केहू जब नया ससुरारी में जला तो बहुत हंसी मजाक और सब करे लीन जितना भी लगे पधही रह लीन अपन उनसे मौज लेनी कौन हर खोदियन कौन हर खोदियन हंसी मजाक करे लीन तो निरहू बेचारे तनी गरीब परिवार के रहलन गंगा में से धोती कुर्ता मांग ले हलन धोती कुर्ता मांगलन और पानी लगा ले बार तो रहना ही कपारे पर लेकिन तब वो अरे भाई इनके ना ही कहत बड़ी तो लोग झूठे आता तो खाली हंस के झगड़ा लगा चाहता और कोई बात ना कि सबरे ले कोई मार कई दे सा अपने में तो पानी लगा लगा कहो कुछ कहो तो का सुतला सुतला पानी लगा लगा जुल्फी मंगियोलन और ये कहा कि मैं नौ नौ गो गोप गोप फाल कर ससुरारी पहुंच गई लन दुआरे इनका बाबा मैया भेटल ने सलामी दगर कि पाव लगी बाबा पाव लगी मैया दुआरे चरपाई रल बिचारे बैठ गई लन पानी पिए बदे भेली और दाना आ गल चरपाई पे बैठल हन लाजन बिचारे पनियो नहीं पिए नीचे में ताक ऊपर नहीं ताक लाजन कहे कि ससुरारी पहले पहले गल रहन और मेहरारू सब इनसे मजाक कर कोनो निकलत है हर से खोद के हर चल जा कोनो हर से खोद के हर चल जा कोनो हर से खोद के हर चल जा लेकिन ये बोला नहीं खाली दहिया हिला खाली दहिया हिला के रह जाए और इनकर औरतिया ढल खिड़किया से झांकर इनकर औरतिया खिड़किया से झांकर कुल कहां रे का ताकती हो का होई हम जैसे कन होता हो जो 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 ता कुल मजाक कर लेकिन तर्ज आप लोग पैबा छप रहिया तर्ज तर्जवा बा तर्ज है बा छपरहिया वाली तर्ज जो ने समझ छपरा जिला छपरहिया तर्ज निकलल तो ओकर साथे साथे तीन ठे बोली भी निकलल पहली बोली कि जिया जिया दूसरी बोली निकलल कि डहा डहा तीसरी बोली निकलल कि मारी बाबू साहब डलडा पेले बा और ओहर के लवंडा का गामा कि अरे पिया माँ के मारे रामा अरे बसव की कहीं लिया भरी दर दिया होले रोका 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 हल्ला मत करे जरहे भैया कई तरह तर्ज लेकिन निरहू से उनके घरवा का कुल औरतिया हंसी मजाक करें कि ताकत क्या हो उनकी औरतिया से कहें कि अरे खाड़ी हो दुआरिया से सरहजे मारे ली नजरिया ए नाना दोहे ने देखा हाँ कब यहाँ से मत ताका हो ये बैठल हम जा बतियाल है जा हो जा ए भैया हंसी मजाक भयल अरे दुआरा पे बाला मातोहार नन दोहे ने देखा दिन में तो हंसी मजाक भयल लेकिन जब सझिया भइल तो निरहू में एक थे बहुत भारी अवगुण रहल इनके भइल रतौनी सझिया हो जात लौकब न कर आ ससुरारी के आदमी ये बात के ना जानत रहल कि पहुना के रतौनी भइल अजय सझिया भइल तो का भइल
कि अरे खाना खाया नहीं रहू गईला जब वो सारी में मेरा कहली पहुना चला खाना रखल खाला लोटा चमकत रहल पहुना हाथ मुंह धो लेना लपथना हल गेना वो सारी में तने कन दिया झलफलाहा जरत रहल लेकिन ग्रतौनी भले साफ ना ही लौकल जहाँ थरिया में खाना रखल लल का कैलन कि खाना खाया नहीं रहू गईला जब वो सारी में हुई रतौनी थी रख दी हला पैर थारी में जब ने थरियावा में खानवा रखल गच सना निकल लता वही थरियावा में पड़ गल वो खाना बेकार हो गल मेरारू कहाँ पहुना कहाँ का हो करवा के खानवा में लाता रख दला कहाँ खानवा में लता पड़ गल लौकल ना ही है ई ना कहता कि रहता उन्हें भैल है सोचे ना कि अगर कह दे तो बड़ी बेइज्जती हुई ससुराल आले पहले पहले तो वो खाना लोग रख दे और दूसरे थरिया में इनके खाना आये तब का भर कि दूसरे थाली में फिर सरहद खाना लाई है आय एक और खाना एक और बिला भी चपराई है जब दूसरे थरिया में खाना आल तो बेचारे खाते हैं बिलरियों में बैठ के चापुर चापुर खाते हैं मेरारू कहा पहुना कहा कहो वही बिलार खाते कहो कहो कर कहा बिलार खाते कहा बिलार खाते कहा निहू की अब इनके परकावत बाती हल्ला मत करा हल्ला मत करा मामी के परकावत ही बाद में इनका मरम्मत करा आई हर तमामा के लग गता है ना बात तो कहा निरहू की अब इनके परकावत बाती तबले निरहू का सास गहिले आवत बाटी हे भैया निरहू तो खात बात धीरे धीरे और तबले इनका सास पहुंचली दही लेके कहतरी में कितनी चुटुक मुटुक रही तो पहुना ज्यादा खा ली हन तो निहूर के और कहतरिया में से दहिया निकाल के वही थरिया में लगली चप चप गिरावे आ जब चप चप दो चार बे कैले तो निरहू सोचना कि देखा हम बिलरिया के मना कैली लेकिन ना मानल फिर आके लगल चापुर चापुर खाए तो निरहू सोचना के लिए एक परी एक मना करी मजगर से तो इनका अय्या कोहतरी में दोही लेके निहूर के चप चप गिरावत थी या निरहू का सोचत हम कि लगी गिराने दही जमा बिलरिया बा आखिर के पीहा मना टूट गई कब उठाए के पीढ़ा संहार दल मैया करियन के छटक कर घरों में लगली बा माँ छिलाए निरहुआ कल अरे मरलू बिलरिया के लग गल मोर मैया के घरवा में तीन चार ठोरी बाटी कहीं सुतले में लगा सब बदला न लेवे नहीं तो एक मुसर भी मरियन से तो कई मुसर मार दिए सब तो अब यहाँ रहो न चलब घरे अब निरहू बिचारे लौका तो नहीं लेकिन ढो ढमिला घर वाली रास्ता पकड़ी ले ले और कहाँ तक गए तेरी के अंदर भाबर के अरे मुदैया ना ससुरारी में बनब अरे निरहू भाग जैसे भाग ले चिड़िया जात जात एक मैदान पर गया लगभग दुई मील का और उसी को क्रॉस करने में कुछ रात गुजर गई निरहू की अपनी मतारी वाली बात याद आ गई कि हमार मतारी कहले बा कि जहाँ रात होकर वही तू रह जाया अभी बतिया ख्याल होता अपन गमछा वही मैदान में बिछा के सुतते जात रहल तब तक निरहू से चार चोर मिल गए चोरों का सरदार कहा रहे यहाँ का कर रहे हो कल कुछ तो ना कर ससुरारी से त्यावत है कलम से हमन के रास्ता कट गई तुहार जान मार दहल जाई निरहुआ कहल दोहाई भैया के जान मत मारा बल्कि जहाँ चलत हवा लोग साथे साथे हमें भी लिया चला अब देखा आगे आगे चोर पीछे पीछे सरदार ओकरे पीछे निरहुआ चोर लोग समझा के लौकत बा लेकिन निरहुआ तब लोग जब सांप उस बतियावत जहाँ हटियावत हटियावत पीछे पीछे चल जा जाकर जब एक गांव में लोग पहुंचे तो क्या किए जा करके एक गांव के अंदर दिहलन नकब लगाए चतुर सरदरवा निरहू से तब
तहन लगा समझाय। एक गांव के अंदर नकब लगा दिए, सेन काट दिए। पिछवाड़े जब कुछ मिट्टी इकट्ठा हो गई तो चोरों का सरदार कहा निरहू, देखा दुआरे सब लोग सुतल हुई, एठे खांची खोज लिया वहां और मटिया फेंक दिया जाए तो फिर सेनिया काटल जा। लेकिन कैसे कहला थे तर्जबा कि अरे कवन धरतिया उगाव हीरा मोतिया, उगाव हीरा मोतिया कहां बहे पूर्वी बयार। कवन धरतिया उगाव हीरा मोतिया, उगाव हीरा मोतिया कहां बहे पूर्वी बयार। कवन धरतिया उगाव हीरा मोतिया, उगाव हीरा मोतिया कहां बहे पूर्वी बयार। अरे कहां का जवानवा जवानिया न समझई रे बबुआ, अरे कहा का जवानवा जवानिया न समझे कहा गंगा जमुना कधार। यारे दुलरुआ हमरे, यारे दुलरुआ हमरे कहा या मरी तावा नधार। यारे दुलरुआ हमरे कहा या मरी तावा नधार, यारे दुलरुआ हमरे। तई तरह तर्ज लेकिन निरहू सदरवा खांची लिया हुआ देखा कैसे रहू से कह सरदारवा खसिया लिया एक हो दुआरवा संगतिया हमरे। अरे फेंकल जा तनी मटिया उठाए, अरे संगतिया हमरे बाबू। निरहू पहुंच गया दरवाजे पर और लगा खांची खोजने, कहीं खांची नहीं मिल रही है। देखता है कि सभी लोग सोए हैं, खांची नहीं मिल रही है, तो उपाय कर लिया निरहू क्या कि धा धूप खोज निरहू घरवा दुआरवा हो घरवा दुआरवा। आओ खटिया न मिले तब थामे लकपरवा हो थामे लकपरवा सनतिया हमारी। सोचल कि सब सुतल हो तो खांची कहां से मिली। अरे संगतिया हमारे आ सुतल लोगवा से कह जवाय हो संगतिया हमारे। सोचल कि सब सुतल तो खांची कहां से मिली। एक यानी कि देखल दरवाजा पर चदरा तान के खटिया पर सुतल ललन, उनके चरपाई के यहाँ बैठ गल गोरवारी लगल जगा। कहल कि भैया उठा तो नहीं उठा, कुछ काम हो जगा जगा उठा। वो खटिया पर से जगलन तो कहला भाई तू हवा के कहे जगाओ थोड़ा राति के। कहला हमार नाम निरहू हो। कहल तो का चाह थोड़ा रतिया कर। तो निरहुआ लगल उनसे बतावे कि खांचिया को या तुम के भाई परेशानी आया तुहरे ही घर में कंतवा से निया संगतिया हमारे। आ एक थे खांची लेला आ चल के मटिया दा फेंकवाए हो संगतिया हमारे। भैया बड़ा आसान हमन के ऊपर होई, तोरी घरवा में पिछोरवा सेन काटा थे जा, एक थे खांची ले तो चला मटिया फेंकवा दे और सेनिया काट ले जा हमन का। उजागर कल ये कर देखा भैल जोर से हल्ला सगरो चुरवा गयो पराई। अरे भागे भी हुस्सा थे साथे गावा ले लिए पोछी आई मुदैया ना ससुरारी में बनब। अरे निरहू काम बिगड़ला ना मिलला रुपया यर रुपया यर रुपया यर रुपया यर रुपया। गांव वाले खेदिया बोलन चोर सब भावक सिवान पकड़ लेलन। निरहुआ बड़ा जोर से एकदम तिरकट भागल। और जब भावक सिवाने ले पहुंचल हम तो काशी भैया का किया चोरवन मति लगत थे। एकदम आइडिया हमार सही मिलल हो। अरे जब सिवान में पहुंचला चोर भी सिवान पहुंचल सरदार का करा खगले बोला का कहली हम सोचलिए कि जगाए के जल्दी से मांग ले तब मटियो फेंकवा दी सेनियों काट लिया जाए जल्दी से मटियो फेंकाऊ के न पड़ी। कल से तू तो काम कुल बिगाड़ दे ले। सरदरवा कहल रे हुआ तो के अब साथे न लिया चले। कहल दुहाई भैया कह लोग एक जगह हमके और लिया चला लो। अब वही रात के जाके लोग पहुंचलन दूसर के गाँव में नकब लगौलन, लेकिन एक थे डोमे के घर में नकब लगौलन। तो सरदार भी घर में घुसलन, निरहू भी घर में घुसलन। सरदार लगलन रुपया पैसा खोजे निरहुआ पागल डफला। अब डफला बजा बजा घरों में लगल नाचे हल्ला भल डुमवा लेके बलाठा लहला खे दिया है। अब कान्ही में टंगले निरहुआ डफला चोरन के संगे रहरी उखी में बजवत है भाग। कैसो कैसो जान बचल कहना से तो के अब नहीं लिया जावा जाई है। कहा मैं ये जगह और चली है। ये बाबू वही रात के फिर तीसरे गांव लोग पहुंचलन और ओदा पारी निरहुआ का खबरदार सरदार दुई बेर तू हमारे साथे साथे जब घुसत हुआ तो मामला बहक जात हो। एक बारी हमके घुसा दा
और ऐसन भारी सामान चुराई वैसन भारी सामान चुराई कि दोनों बेर का तरता भरता एक बेर आ जाई। और जब तीसरे घर में नहीं रहुआ हलल तो सबसे भारी सामान लगल खोजे कहीं कुछ पैब न कैले। एक चीज बहुत भारी सामान पौल कवन चीज तने कन बढ़िया आए कि अरे धाय धूप खोजे निरहु कुछ नहीं पावेला घर या कवारी धई कोठी लवैया जमावला कोठिला पागल भर अकवारी पकड़ के लगल कोठिला पे उठा। आज जब कोठिला के लगल उठाव कोठिला उठब न कर मेरे हुआ सोच गल कि पूरा घर भर का माल यही में भर के धैले बा तब तो इतना वजनी हो तो एक ले गल बहुत जरूरी हो तो ये जाई कैसे तो निरहुआ एक तरीका लगा दल कि बाधी के रसरवा निरहु कारा लाल तारावा चोर लोगन के थमा दलक खींचा लोग बनले हैं चोर सब किचकिचा किचकिचा खींचे लेकिन कोठिला कहा सेनी में निकला कमा पारी करो एक बार भी चोर सब जोर लगा के परेशान कोठिला कहा सेनी में निकला और घरवे में से ललकार बांधर नहीं रहुआ जैसे फर्री मार के ललकार बांध ला वैसे खिंचो सरदरवा कह धीरे धीरे हल्ला मत कर चोरी करे नाल हवे तो जितना पिछवाड़े सरदरवा मना करे नहीं रहुआ उतना घर में से जोर जोर से हल्ला करे। जब गांव वाले सुनला कहला भाई देखा पिछवाड़े कैसे आदमी हल्ला करत हन जब जा करके लोग देखा तो यह लोग अपन बढ़ई बढ़िया बांध के घिचौल करत बाटन तब भयल जोर से हल्ला सगरो चोरवा गयो पढ़ाई लेकिन निरहु काका से निया में गईला पछुआई हो। सब चोर के तो आंख रहल अपन भगना सिवान धरल लपसना और निरहु के रहता उन्हीं भयल सेनिया में से ही केहर निकल के भागे जल्दी से तो रहल बड़ा चलाक चुपचाप कोई कोठली की दोसना में कोने लुकाए गल घर में पटाए गए गांव वाले खेदियाए खेदियाए चोरन के फिरा करके सो गए कि अब चोर सब भाग के सिवान पकड़ लेलन तो निरहुआ पक्का दो घंटा के बाद वही घर में से निकलल सेनी में अब हल्ला करता निकलल अरे यार सुना कहे तो डेरा के भाग लो तो घरवा में रहू हाँ चोर सब रहरी उखी में यही की इंतजारी से रुका लेना बैठल रहन और जब देखलन कि आवत है दो घंटा के बाद घरवा में से तो निकल निकल गोलिया गई और निरहुआ के घेर लेलन सब कि जब दो घंटा के बाद में घरवा में से आवत है तो जरूर कौन न कौन सामान चोरौले हुई तो निरहुआ दो सामान बहुत भारी भारी चोरौले रहल कौन कौन सामान कि अरे मुदैया ना ससुरारी में बनब अरे सर पर वो खर धैले काकी तरिया भैया मुदैया ना ससुरारी में सवेरा हो जाए लौकही लगी अपने घरे वाली तो हमके उलिया चला लो वही राति के पहुंचल लोग पांचवे गांव में सेन काट दिल तो निरहुआ का करो सरदार जी का करो तन बढ़िया मास्टर कि कहा कि अब की ना हम डरबे अरे खूब अच्छी चीज चोरैबे अगर हम घर में जइबे हो अगर हम घर में जइबे हो जब घुसा है घर में भाई तब दूध गैल देखलाई थोड़ी सा चाउर पाई कई हर वहर न जाइबा अब रज के जाउर पकाइबा। जब पांचवे गांव में सेन कटल तो ओदा पारी निरहुआ सरदार दोनों जाने घर में घुसलन सरदार लगलन रुपया पैसा खोजे निरहुआ का नजर पड़ गल कि हरा पर दूध गरम होत रहल और बगलिया में देख लेला चाउर कल आय हल्ला ही गल हमार सरदार खोजता बाटन हिस्सा तो मिलबा करी
और हाई चौरा उठा करके और यही दूधवा में डाल दे तो बन जाए जाऊर, और जब खा ले तो काम कुछ हो जाए आऊर। इतना ना उठा करके चाउर दूधे में डाल दे, अब एक जाऊर पकड़ लगल, पकत 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 पक गए। एक दो मिनट के और देरी रह गई लहल, तब ले निरहू का नजर पड़ गई दूसरे जगह कहाँ कि एक बुढ़िया सोई थी भाई अपने मुहावा को बाई कई अक्सर जाऊ न खाईबा बुढ़िया कहूं के हम खियाएगा जान के जरूरिया पक्का तो लेके बुढ़ी बिचारी वही जो बगलिया में मुहबा को सुती गई लहल, वही घर का मलकिन रहल और अपन मुंह बाय के सुत गई लहल। निरहुआ सोचल कि बुझला मोर जरूरिया पक्का थी तो मुहवा बाय के मांगती है, कहल कि मुहवा बटोले बुढ़िया माई हो जाए तो अपने आपस दे दे का मुहबावत है। लेकिन वो तो बिचारी सुतल लहल मुंह बाय के कहाँ बटोरे, सोच गल के कर मतलब कि बेचारी जादे भूखा गई है। कहल जब ना मानत हो तो लाट टटक टटक जरता जरता हरवा पर से बक्कल कल छुल से जाओ उठा के आ बुढ़िया के मुंह में रखा जाके बुढ़िया के मुंह अगर माई तब बाप बाप चिल्लाई अगर हम घर ले जाइए। बुढ़िया के मुंह में जरता जरत जाऊ गए लगल लगल जब लाए तो गांव वाले सोचलन की चोर चोर हल्ला करत हन सब। अब गांव वाले लाठी उठी लेके दौड़लन आ दौड़लन तब का भल की भल जोर से हल्ला निरहू चढ़े धर्म पर जाई। हल्ला जब चोर चोर भल निरहू अपन धोती खुटियाउन खुटिया के छटक के धरनी पर चढ़ गईलन और सरदार जी कहां लुका गईलन चतुर सरदरवा खटिया के तब नीचे दर लुकाई हो मुदैया ना ससुरारी में बनबे पतहिया कहे कि झूठे ढोंगर चैलू अइया। गांव वाले चोर चोर हल्ला सुन करके जुटलन तो वो बुढ़िया के पतहिया कहे पंच लोग यहाँ चोर कहाँ ढलबा पहिला हो दौड़ल। अरे तनी हाई देखा जाऊ चोरी चोरी बुढ़िया बना के खाल चात रहल जरता जरत मुंह में डल्ला जरगल मुंह लगल ललाए चोर कहाँ ढलबा टन। अपने पतोहिया के बात सुन करके बुढ़िया के बड़ा तरस आयल झूठी बात पर, कहला पंच लोग हम अपने खाए बदे जाऊ नहीं पकौले हैं। तो रो रो करके बुढ़िया गांव वालन के सामने भगवान के साक्षी देकर एक कहने लगती है क्या थोड़ा सा कि अरे कैला का हरी अरे बुढ़िया सोच धई का पारा वारे कैला का हरी कहे पतोहिया ए पंचो बुढ़िया ना पवला खानी तब बुढ़िया कहे कि ऐसन कैले हो कि तई दउ परवा ले जाने आ तोहरे पर गिरा चकरवा हो कैला का हरी। कल पंच लोग अपन खाए बदे जाऊ अगर पकवले होखिन तो ऊपर वाला भगवान जनी है, लेकिन भगवान का नाम ना लहला कहला कि ऊपर वाला जनी है। कहल भगवान के लेकिन कहला कि ऊपर वाला जनी है तो ऊपरा धरनिया पर निरहू दादा चढ़ल लाल ई सुनल त कहले भाई मौके त ना न कहत यह कि ऊपरा वाला जाने। तक कुदा धरन से निरहू कहा कि हाँ बुढ़िया हम जानी धोती खुटिया के लप सुना अगवा सबके कुदल। कहले बुढ़िया सही कहते कुल बतिया कर हम जानत हैं। सब लोग ऊपर तक किए भाई ई कहाँ से कुदत है निरहुआ का ऊपरा मत तक लोग ऊपरा तकेले रहलिन हाउ निचवा वाला कुछ ना जाने। सरदार जी खटियावा के निचवा नीर की लुका लल कल ऊपर ते अकेले वाली हम निचवा देखा नु खटियावा के निचवा और निचवा वाला कुछ ना जाने। अरे जिन के बड़का मानी अरे ले ले बेचन की लहारो अरे गुरु बिहारी
गुरु गणेश निरहु के दया, गुरु बिहारी गुरु गणेश बुढ़िया के दया समाई, राम लाल गुरु बच्चन निरहु के दिए छोड़वाई। अरे मुदैया ना ससुरारी में बनव, अरे बेचन गावे ठकुरी गुरु कया बुढ़िया, मुदैया ना ससुरारी में नाऊ की सही कहानी। अरे शादी कर धर लाया जानी हो रहा, नौनिया रही जवानी में अपने मशहूर, भैया ए ए छेल छबीली रहल मरखावा काजर करे, टोला परोसा वालन का हर घड़ी दिमाग रहे जो कम नौवा घर से बहरा चल जाये कि नौनिया से दो चार बात कह लेती। जा बेचन की गांव का नौनिया रहल इतना निमन रहे, इतना निमन रहे कि टोला टपारी वाला ये सोचे, इनहनियर बिरहागा वाला आदमी ये सोचे दादा कम नौवा कहीं चल जाये कि हमनी को थोड़ा सा नौनिया से बतिया लेती, जहाँ लोग देख के अपन जिभिया चाटे लगे, अरे यार खूब बना दिले हूँ भगवान। तो एक दिन नौवा सोचल जो तिरिया चरित्र होला, ए भैया बंटा वाला ए तिरिया चरित्र होला। एक दिन अपनी मेहरुआ से कहलस का यहाँ उतर जबा, अरे कठवा कपूतरी तो कठवा कपूतरी, अरे स्वर्गवा से उतरी पुतरी तो अकेले के ना, पुतरी तो अकेले के ना डलबोडी हवा पर मरैया, पुतरी तो अकेले के ना। यही के जब बाला मास्टर कर रहल रंग वो घड़ी है दुनिया के गाँव की छिटिया के झूलवा तो छिटिया के झूलवा, अरे पहिरले बेरुहेलवा हबड़ा पुलवा पर खड़ी, हबड़ा पुलवा पर खड़ी माथे उखिया के बुलवा, हबड़ा पुलवा पर खड़ी माथे उखिया के बुलवा, हबड़ा पुलवा पर खड़ी माथे उखिया के बुलवा, हबड़ा पुलवा पर खड़ी। ए भैया बोला नौवा बनिया, अरे सुनबी रे नौनिया तनी दिखा हो दे तूना, तनी दिखा हो दे तूना तिरिया चरित्र वाली जलिया, तनी दिखा हो दे तूना ए नौनिया। कहाँ गईली सनौनिया हो नौनिया, तिरिया चरित्र कैसन होला का बताई, सब अपने आदमिया तो लौकत बा नाउन तो कुल भाग गईली सर, ये बतिए। अब हमार पारी आई सोचल रसना में लहेठी तो भाग गईलन, तो भगेड़ा मर्द थोड़ी चल दी हन। अब का बताई हम सोराहना का मर्द आदमी हैं, हमरा ये कुल नहीं करे आवे। ए भैया तो बोला नौवा बनिया, अरे सुनबी रे नौनिया तनी दिखा हो दे तूना, तनी दिखा हो दे तूना तिरिया चरित्र वाली जलिया, तनी दिखा हो दे तूना तिरिया चरित्र वाली जलिया, तनी दिखा हो दे तूना तिरिया चरित्र वाली जलिया, तनी दिखा हो दे तूना। बालू गैया, अरे जब आ जाई समैया हम दिखा हो दे बना, हम दिखा हो दे बना तिरिया चरित्र वाली जलिया, हम दिखा हो दे बना समय आई देखा दे। नौवा रोज जिद करे नौनिया कहला समय आई तो दिखा दे, शादी ब्याह का समय आ गई। ओ घड़ी भइल का नौवा कैलस का
नौवा कैलस प्रस्थान अरे आई 12 बजे भवनवा तनी दिखा हो देबुना तनी दिखा हो देबुना तिरिया चरित्र वाली जली जजमनिका में जजमान का गौना पड़ल बा हम ठीक 12 बजे आई कल जा 12 बजे ही हा नाऊ तो सन है चल गए थोड़ा कम कर भैया नाऊ तो सन है चल गए नौनिया जब ठीक 7 बजल ना चल दिया शहर घूमे आ जब शहर घूमे चल दिया 12 बजे का करार करके नौगा गहिल बा तब हैल का अरे लगाई नार वाली जलिया तो लगाई नार वाली जलिया अरे नाउन बनी अनोखी अजबरू पनिराली नाउन बनी अनोखी अजबरू निराली लगाई नार वाली जलिया निराली लगाई नार वाली जलिया अरे इतना श्रृंगार करके इतना श्रृंगार करके कितना श्रृंगार करके नौनिया सांझी का चलल पढ़ल लिखल भाई श्रृंगार रस के भाव सवेरे ले लें कि सजाई ना जनी अब रूप सलोनी बनके इतना श्रृंगार कैले रहल भैया बाबू सजाई ना जनी अब रूप सलोनी बनके चूड़ियां हरी हरी हाथ में कंगन खनके चोटी चुतर ले अब नागिन को मात करती थी लीलारे बिंदिया तारों से बात करती थी कमेटी वाला भैया तने सुना कितना नौनिया सिंगार के ले रहल सजाई नाजनी अब रूप सलोनी बनके चूड़ियां हरी हरी हाथ में कंगन खनके चोटी चुतर ले अब नागिन को मात करती थी लीलारे बिंदिया तारों से बात करती थी गुलाबी होठ लाल गाल से कमल फीका लगाई आंख में काजल तो भय बादल फीका चली तो पांव की छमा छम पहलिया छमके चटको चांदनी में जैसे बिजुलिया चमके इतना रूप ए दूध वाला अरे यार चल आगे जब मेहरारू चलल हो जे सोराहना का मरद रही होकर बिजली आई जाई रोआ फरफराई जाई इतना सुंदर बनावलस कि सजाई नाजनी अब रूप सलोनी बनके चूड़ियां हरी हरी हाथ में कंगन खनके चोटी चुतर ले अब नागिन को मात करती थी लीलारे बिंदिया तारों से बात करती थी गुलाबी होठ लाल गाल से कमल फीका लगाई आंख में काजल तो भय बादल फीका चली तो पांव की छमा छम पहलिया छमके चटको चांदनी में जैसे बिजुलिया चमके इतना रूप बना के कौने तरफ चल लू नौनिया यहाँ तरह छप रहिया बा कि पनवा खिया के सैया अरे मारा तोला जानवा अब ही लईका बानी अरे जरदापन जरदापन अब जरदापन करेला खारा अब ही लईका बानी तौले दूसर लौंडवा गई हन सर और अच्छा परा सहरिया से चलली दुई बहिनिया ओठवा रंगले रहली अरे चलली दुई बहिनिया ओठवा रंगले रहली अरे फुफुती मैं फुफुती मैं फुफुती फुफुती में खसल बारू माल उठवा रंगले रहा
अच्छा ये एक रुपया एक मैं अरे दबावल बेनौनिया चल धीरे धीरे अरे दबावल बेनौनिया चल धीरे धीरे यही रास्ता से गुजरल कौनी तरफ मुड़ गई कि चली भैली थानावा की ओर चल धीरे धीरे चल धीरे धीरे अरे थाना का सही सवा चल धीरे धीरे अरे भैले करे जा कमजोर चल धीरे धीरे इतना बढ़िया रूप बना के जब थाना में थाना वाली डहर धके चलल थाना का सही से जोन घोड़ा साफ करेलन खजवावे लगल अपन पूरा छाती ददाई कहाँ का माल चलल बा सिटी मरलस की रजाम सुना सुना जब इतना बोलवलस तो एगो आंख नौनिया दाब दिहलस दाब दिहलस कहलस का अरे पैसा लुटावा तबे अरे मिली गुजरिया चल धीरे धीरे अरे मिली है गुजरिया चल धीरे धीरे करमती मनावा के थोर चल धीरे बाजारू माल है ये रुपये पैसा वाली है 50 रुपया खर्चा कर मौज लेला कलश लेला भैया 50 रुपया 50 रुपया के तनख्वाह मिलल रहे सही सवा 50 रुपया दे कलश कब नहीं 10:30 बजे आ जाब हमार घर खाली रही भोर रात अपन मौज लेला सही सवा एक बेर मुछ पर हाथ फेर दिलस कि दादा हमारो जिंदगी में ऐसा मेहरारू मिले के लिखल रहा ना मुझ पर हाथ फेरलस अपन फिर काम धंधा शुरू कैलस सोचलस हे भगवान कब 10:30 बजे तनिक रहा आगे जब बढ़ल लेकिन वो समय का भाव बा कि पहन चोलिया बोलिया बोले मयनवा लागल बजिया गोलिया पहन चोलिया बोलिया बोले मयनवा बोलिया बोले मयनवा अरे भैया जब आगे बढ़ल थाना का दीवान साहब देखलन कलन का राजा अरे कस्बा में बहुत मेहरारू देखनी लेकिन ऐसा नहीं इतना समझलस कि धीरे से एक आंख नहु के दाब दिहलस दीवान साहब देने कले मुर्दी मुजरिम जरा इधर सुनो कलश हमके रिपोर्ट नहीं खेली खुआवे के धीरे से भैया हमके रिपोर्ट नहीं खेली खुआवे के कलन देखा तू कहां कहू बड़ा निक लगत है
कहले से अपन मतलब ये बतावब से जिया को मऊ जुटल चाहत हुआ तो एक बात करा कि हमारा के 100 रुपया धीरे बढ़ाव 11 बजे रतिया में घरवा पे आव 11 बजे अरे वही समय खाली रही मोर खोलिया पहन चलिया बोलिया बोले मैनवा 11 बजे आवा 100 रुपया दा कहलन एक दिन का कमाई बा बड़ा कुल मुजरिम आवेलन कुल चोर डाकू बेईमान बेचनियर ही मऊगा हो आदमी आ जलन कबो कबो थाना में तो कुछ रुपया दे ही देलन दा ला 100 रुपया चलन 11 बजे आ जाइया हम भर रात मजा ली है दीवानो साहेब अपन दुगो लमन चूस मुंह में लेलन चभुलावे लगलन रहलन 60 बरिस का लेकिन अभी नौनिया के संग उनका मन करते रहे दीवान साहेब सोचे लगलन 11 बजे बड़ा मजा आई जब आगे बढ़ल वो समय का भाव बा अरे अगवा के कदम बढ़ाई नवनिया अमाया के चक्कर चलाई नवनिया माया के चक्कर चलाई माया के चक्कर चलाई आगे बढ़ी तो दरोगा भेटाए जब आगे बढ़ल तो दरोगा जी कुर्सी में लगा के बैठल रहलन कहलन यार सच हूँ का मेहरारू विधाता बना देले हुन करेजा पर छुरी लगे चले लगल धीरे से पास में नौनिया को बुलाए अरे धीरे से अखिया दबाई नौनिया माया के चक्कर चलाई नौनिया धीरे से बोलावलन कन खियावत आ गई कलन का कलस का राजा का हाल चल बा बोला दरोगा जी तोरे के तो खोजत रही है दरोगा जी का हाल चल बा अरे छोड़ा हाल चाल लई माल मिले वाली है कलस खर्चा बस कराई थोड़ी देर में मिले वाली है कलन के तना लेबू भाई कह जिंदगी हाजिर कर नहीं कलन ना 200 रुपया दे दा अरे 200 रुपया राजा हमके बढ़ावा 11:30 बजे से जिया पर आवा अरे उनहू के घर में बुलाई नवनिया माया के चक्कर चलाई नवनिया माया के चक्कर चलाई माया के चक्कर चलाई वेलकम मास्टर आए भैया 11:30 बजे उनके बस 12 बजे तक नौवा के वही के रहल 10:30 बजे सही सवा के 11 बजे दीवान के 11:30 बजे दरोगा के आ 12 बजे तक नौवा के वही के रहल जब 10:30 बजे सही सवा का पानी चढ़ गई रहल पहुंचल खेवाड़ी की है आ लागल झुनकावे धीरे से बोला था केहू टोला वाला जाने न पावे अपन शुरू कैले बा अरे बहरा सही सवा तो बहरा सही सवा अरे भुड़का में केवड़िया समरी हो जल्दी न खोला केवड़िया तर्ज कवन बा पुरनका जमाना में गवाब दिसिया का तेल अरे सरसैया का बटन देवर हो मार देव मोर करी भाई साहेब तो बहरा सही सवार भुड़का में केवड़िया सावरी हो जल्दी ना खोला केवड़िया खोल के केवाड़ी अब भीतर बुलाई पनवा लगा के सही के खियाई पनवा लगा के अरे बैठल सही सवार
मुसुका के सेजरिया संवरी हो जल्दी न खोला केवड़िया। सही सवा बैठल कल सावर जाए एक पानी हो जाए करी बात फिर देखल जाए। कल जब भर रात में दाँत चियार देवा तू रात भर का मुलजिम तू ना हुआ एक घंटा का हुआ दाँत चियार के अपन चल देवा। बेचन नियर आदमी टांग पसार दी हमारा नियर आदमी का टांग पसारी हमारा नियर आदमी तब जितने बूढ़ आदमी हो जाला उतने मजबूत हो जाला। ए भैया अब ही रुका सही सवा से कहलस साढ़े दस बजत बार पान खा चाय पिया ओ कई बात फिर देखल जाई भर रात में तू भर रात लगी है ना रह के बाद धीरे 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 29 मिनट बीत गई एक मिनट बाकी रहल। अब सही सवा से भैया जब उतावला आदमी हो जाला देखेला आप लोग सबकी जीवन का कहानी बा कि जब रात हो जाई जाड़ी का दिन रही तो मेहरारू तेल लगावे आवेली सब आदमी कह दे देख भी आज हमार बड़ा कपार दुखाता रे तेलो लगा देती तो बड़ा निक रहला काम तो दूसर रहला लेकिन उनका कपार बथेला। आके जब एगो टांग ले तेल लगाई तो कहियन जे आ रह दे पाछे लगे है आओ पहले पहले आओ वह हो जाओ बाद में लगई है तो आधा घंटा 29 मिनट सैसवा बर्दाश्त के लिए सभी मामूली बा जाके वही अपन पतलूंग उतलूंग खोल के बैठ गई। तब भइल का कि जो ही सही सवा से जरिया पर डोले त्यों ही दीवान आदुरिया पर डोले अरे सूख गईल सुन के सही सिके ठटरिया संवरी हो जल्दी न खोला केवड़िया। अपन पतलू उतलू खोल के जो ही बोलावत बात होले दीवान जी बोलत हुए धीरे से मन गंगा वाला जानन समझ जे दीवानो जी यहाँ आवत रहन ग्यारह बज गई बा दीवान जी आ गई बा खोल के वाड़ी जल्दी सही सवा कहले जी के कहले जी हम तुहार बाबू हवन तुहार बाप हवन के है तो दीवान जी थर 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 कांपे लगल जल्दी हमके कहीं छिपाओ जल्दी छिपाओ नहीं तो सारे काल से जान जाई तो हमारी ड्यूटी है आप कर दे बाल बच्चा कुल मर जाई हन कलस नहीं आलवेदा कलन नहीं हाथ जोड़ थी तोर तो कैलस का कि ले जाके घर में सही सिके सुताई घसिया के डाल ऊपर से बिछाई घसिया के भैया अरे भीतर बोलाई दीवान के गुजरिया संवरी हो जल्दी न खोला केवड़िया। घर में घास रहल कलस सुता तू ऊपर से घास बिछा दिलस जाके दीवान जी के बोलवलस गले में बाँह डाल दिलस अरे आया दीवान जी आया तुहार समय हो गिरल है एक दो मिनट लेट हो गई। दीवान जी तनकी फिर जेठ रहलन वो सही सवा से दुगो दाँत आगे के टूट गई रहलन सा कहा आओ राजा तनि शराबो पी ले रहलन आओ राजा आओ आओ फिर मौज मस्ती लिया जाओ कल तनि उम्र पर ख्याल कर उम्र पर ख्याल कर अब कुल पैजामा वजामा बिगाड़ देव तो फिर राति काम कहाँ जाई पान खा चाह पिया भइल का उहे बतिया ठीक 29 मिनट बीतल कलश चला तो ज्यों ही अलन कि ज्यों ही दीवान जी से जरिया पर डोले त्यों ही दरोगा दुवरिया पर डोले ठीक 11:30 बजे में तनकी भर बाकी रहल दरोगा जी एक मिनट पहले ही पहुंच गेलन कहलन नौनिया अरे दरोगा जी आइल बने रे दरोगा जी आइल बने जल्दी खोल 11:30 बज गई बा। दीवान जी कहलन जे के है कहलन जे तोहार बाबू हवन के है दरोगा जी ई कहा है यहाँ चली अलन कहल जे 200 रुपया दिले बहन तू 150 दिले हुआ 200 रुपया दिले हवन कहलन की तनि हमरो कहीं छिपावा न तो हम बड़ा बेदीन हो जाई कलश चला अरे उनके नरबदान में शहर में नरबदान कहल जाला देहात में हमनी के पनरोहा कहल जाला तो उनके नरबदान में
ढुकाई नौनिया माया के चक्कर चलाई नौनिया दीवान जी के धीरे से भैया ए भैया भैया सुना सबे पहले लाइट का काम है कौन बा सुना दस मिनट कौरी खेला बा पनरोहा में कल से ही में ढुक जा कुल खोलवा के वही पनरोहा में ढुका दे हलस आ जाके दरोगा जी के बोला ले आई दरोगा जी अपन छरिये ले अइलन ए भैया दरोगा जी जब अइलन दरोगो जी ओतने उत्तेजित रहलन दरोगा जी कहलन अरे आवो हो जान रसलूटा से जरिया धैले दरोगा नौनिया के अकवरिया अरे धीरे से उनके फुसिलाई नौनिया माया के चक्कर चलाई नौनिया। बारह बजे में एक दो मिनट कम रहल पानून खिया के ठीक लिया गई दरोगा जी का कैलन कि ज्यों ही दरोगा सेजरिया पर डोले त्यों ही नौआया दुवरिया पर बोले त्यों ही ए भैया जे अपन मौज मस्ती से एकदम तावे में रहलन कहले नौआ बोले थे नौनिया हम आ गेली केवारी खोल दरोगा जी पट दे उठ के खड़ा हो गेलन कहना जे ई कह रे कहना जी तोहार बाबू हवन ई नाउ है नौआ हमार नौआ आ बोले तो मारे बस गोबर निकल जला तुहारे जब दौड़ल आई हुआ जा पैसा रुपया दे के यहाँ मजाक करे कहना हाथ जोड़े थे हमके कहीं छिपा दे कलस कहाँ छिपा दें आ नौआ कह जा रे कौन बतियावा था कहा रे एक दिन हम तो के छोड़ के गईली पूरा बदमाश हो गईली कोनो बती आवत बा का कल नहीं नहीं आवत है अने दरोगा जी कहते हैं नहीं हाथ जोड़ते नहीं होंगे कैसे जी बात कल सुना पहले कुल अपन खोला कुल खोला कल कुल खोल दे अपन कुर्ता खोललन गंजी खोललन पैंट खोलन जब अंडर बियर रह गए कलन रहे नहीं कल सुना ना ओहू का खोल दा का करस बेचारू ते भैया कुल ही खोल देलन तो पूरा पोशाक दरोगा के खोलवाई जाके देवाल के नजदीक निहुराई एगो देवाल पर कलस अभी इधर निहुर जा उघारे निहुर देलस उघारे निहुरा देलस चुन्ना मय पोत देलस आज यहाँ उनका गड़ारी रहे वहां कैलस का अरे चुतर पर दिया नाम तो चुतर पे दिया नाम जराई नौनिया माया के चक्कर चलाई नौनिया उघारे दरोगा जी के निहुरा के पूरा चूना पोत के आ कहाँ धैलस दिया इतना जनते हुई बजा वही दोनों चुतर के बीच में दिया जरा के धा दिलस दरोगा जी कहना जे इतना निक सारे मजा आई बड़ा आके फंस गई नौआ के खोल के केवाड़ी ले आई नौआ जब देखलस एगो नये चीज कलस करे नौनिया हे देवलिया कि हम चारे घंटा पहले कहीं तो कुछ रहुए ना ही ई का कलस तू जानत नहीं खा ना एगो बेचे वाला मशीन आई रहा उ जर्मनी मशीन बेचत रहा ई जर्मनी मशीन न दिया धरे वाला है दिया धरे वाली यही मैंने ये पर दिया धरा ले नहीं ले कलस नौनिया नौनिया पूछे लगल नौआ अरे नौआ नौनिया से तो नौआ नौनिया से अब ये बतिया बोले लारे बिना रे पवनवा के अब बिना रे पवनवा के अरे दिया नवा कहे डोले ला बिना रे पवनवा के भैया
अरे बोले ले नौनी आई है जर्मनी मसीनिया, कहाँ बाटे पेच नौआ बोले ला बचनिया। कला सी जर्मनी मशीन है, ये अपने मने हिलल करेले ऑटोमेटिक मशीन है। कला से कर पेच कहाँ बारे दरोगा जी उघारे अपन कलश के उका नीचे पेच बा तो कहत बा बड़ा ढंग से। अरे इंजीनियर एक जोड़े ला रे बिना रे पवनवा के। जब पेच देखलस कल साला इंजीनियर खराब रहल, बड़ा पटे कर पेच गड़बड़ा दिहलस, यहाँ पेच रहल ना चाहत रहल। कल साला पेच बड़ा जे छुअलस ते दरोगा जी मुते लगलन लनौनिया ई का कलस ये डीजल है, डीजल एमे से डीजल बा, हाँ लीक करत बा। कलस देखबी हमार मन करत बा, हम अहूँ तो कारीगर है, हमार मन करत बा अरे पेचवा के काट के हम ऊपर लगाई। हमार मन करत बा कि नीचे वाला पेच काट के और ऊपर एगो छेद लगता वही में हम लगा दे। दरोगा जी कहाँ जे सरवा काटी दे का ये मरने, दरोगा जी कहाँ जे काटी दे का। अरे छुरा कैंची वाला, अब छुरा कैंची वाला लोहा खरवा नवा खोले ला बिना रे पवनवा के। दिया कहे डोले ला बिना रे पवनवा के, ए भैया अपन छुरा कैंची ठीक कर लेलस पजवे लगल। दरोगा जी कहलन जे इतना बुझा था जे एकदम काटी दे का है दादा, जो ही लगावे लगल और थर 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 कापे लगल। जब नियरे जे लगल उठ के खाड़ हो गेलन, उठ के खाड़ हो गेलन। कहलन सरकार ए भैया खड़ा तुरत हो बोले थानेदार जनाना जाली बा, हो बोले थानेदार जनाना जाली बा, खड़ा तुरत हो बोले थानेदार जनाना जाली बा। ए भैया अरे ले 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 रुपया, अरे हमके छोड़ दे बड़े भैया जनाना जाली बा, जनाना जाली बा माफी मांगे रो रो थानेदार जनाना जाली बा, माफी मांगे रो रो थानेदार जनाना जाली बा, माफी मांगे रो रो थानेदार जनाना जाली बा। कलन सरकार और रुपया लेला हमार जान छोड़ दा और 500-1000 रेलस सुनकर जान छोड़लस, मुंह नियर मुंह बना गईलन आ कहलस का अरे सुन रे गुजरिया, अरे देखबी कसवे में बदरिया जनाना जाली बा, दे दे बास हम साफ करब नरबदान जनाना जाली बा। खैचावा बास ले आओ बदरी लगल बा पानी बरसी, पहले हम अपन नारी साफ कर लें घर द्वार का। ए भैया तो भैल का खैचा बस घीचे नौआ दीवान का मुँह नचा गईल जैसे नचले बा कौआ, जनाना जाली बा जनाना जाली बा माफी मांगे हाथ जोर सरदार जनाना जाली बा। ए पार से ठेला सो पार चल गेलन दीवान जी, कलश बड़ा पूरे ठेले में लगत रहल हरे का बात बा। जब वो पार गईल तो देखा था दीवान का पूरा मुंह थुथुन बिगड़ल है। कहना का दीवान जी, का दीवान जी, कहा भैया तोहार मेहरारू बड़ी खतरनाक बा, रुपया ले ले रहलन उ पाँख ओक में गड़बड़ी हो गई रहल, कहना लेला भी है बाय और कही भैया दे दे हाथ जोड़ के छोड़ दा। ए भैया अरे बोले है दीवान, बोले है दीवान, अरे मेरा बचन लो मान जनाना जाली बा, अपर प्रिया भई अब से बहन समान जनाना जाली बा, प्रिया भई अब से बहन समान जनाना जाली बा, प्रिया भई अब से बहन समान जनाना जाली बा।
का सबे हो गए लगनी घास पिटेबी ना कई बतावा गाय कैसे खाई। अरे लाठी लेके मारे तो लाठी लेके मारे, अरे सही सवार रोवे बेसहारे जनाना जाली बा, छोड़ दो हमारो नाता जाई परान जनाना जाली बा। ए भैया जब घास पीटे लगल सैसवो खड़ा हो गई, जब सैसवा खड़ा हो गई कहना तू कहा है ए मामा, कहलस कि हम सबसे पहले ही काई रही हमी। एक बात तीनों जने ही लोग कहल जे दूसरा का मेहरारू बहिन की समान बा, ते आखिरी लाइन बा ई चालाक औरत रहल, इज्जत भी मचा लेलस सिखा भी दिलस, बात कब करबा जब हमारी देश में अंग्रेजी जमाना रहल, अंग्रेजी सिपाही रहलन सा। हमनी वाला ई लोग सिपाही लोग ना रहल, अंग्रेजी सिपाही ओ भरी के बात बा। ते आखिरी लाइन बा